सुप्रीम कोर्ट में जाली अकाउंट्स बाबत केस की बुधणी गनी मजीद के अस्पताल मुंतकिल करने वाली अपील रद्द। चीफ जस्टिस जस्टिस साकिब निसार मार्क्स ने चयो था गनी मजीद लाए बाजाबता तौर दरख्वास्त दियो तो उन ते गौर कंदासीं। आसिफ जरदारी फरियाल के जमानत कें डिनी उहा केस तई आहे। फरियाल टालपुर के बैंकिंग को जमान डिनी आहे डिप्टी अटॉर्नी जनरल की अदालत की आगाही। सगे मुल्क में 14 अक्टूबर से असेंबली चूण जो ऐलान। इलेक्शन कमीशन मुल्क के 27 तकन जो ऐलान कर छो। अज का नामजदगी कागज वसूल क्या वा। कौमी असेंबली जहा 11 सूबह असेंबली जहा 26 तक शामिल। समूरन सियासी पार्टियों के गड खी हल। कराची जो सब का वो मसलो पानी है। मां सिंध वफाक विच में पुल जो किरदार अदा कंदुस। कराची में हलंदड़ वफाकी तरक्याती कमन बाबत ब्रीफिंग वठंदुस। सिंध के गवर्नर इमरान इस्माइल जो मजार कायते हाजी भण बाद मीडिया से गाल। अगुणे वजीर आजम नवाज शरीफ चवा है तो उन कदें भी यो ना है तो तहरीक इंसाफ पीपल्स पार्टी की दादली पार्टी है। उर्दू अखबार में मुझे हवाले से गलत खबर शाया कई वही। गुजरियल भी साफिन से का भी गाल बोल न कही हुई। एहतसाब अदालत में अल अज़ीज़िया फ्लैगशिप रेफरेंस की बुधणी नवाज शरीफ के अडियाला जेल पहुंचाए वो। पानामा की जीआईटी सरबराह वाजिद ज़ियाती जरह जारी। वजीर आजम इमरान खान की सदारत हेठ वफाकी काबीना जो इजलास अज थो। एफपीआर के टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन तई महदूद करण समेत अहम फैसला थन जो इम्कान। इतलात खाते में पौना 6 अरब रुपयन वो मामलो। अगुणे सूबह वजीर शर्जील मेमण बन के एहतसाब अदालत पहुंचाए वो। मकानी खाते वो वजीर सईद गनी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी पहुंची वो। बिजली बंद थे बावजूद सूबह वजीर अमलदारन से गड़जानी शुरू कर दी। This headline news is brought to you by 0321-246-5065 सिर्फ फैमिलीज के लिए। जश्न आजादी मुबारक। वाइटल पियो जिंदगी जियो।